यहाँ से हमने एक डजन केला ले लिए। उट्टा कैसा है भाई? 50 का 3 है। चाचा पेरू कैसे देते हैं? कैसा किला आपके पास ये सब? इस गाड़ी से हमने लिए, कैसा ये नींबू शरबत? नहीं नहीं कोई, अरे टेस्ट कर ले जा। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल, मेरा नाम है सात और आप देख रहे हैं सात ब्लॉग्स। गुड मॉर्निंग गाइस, आज बज रहे सुबह के 8 और मैं अभी जा रहा हूँ राजापुर, कुछ काम से राजापुर जा रहा हूँ। बट आज राजापुर में लगा हुआ है बाजार, जैसे आपने जैतापुर बाजार देख लिए, साकरी नाटे का बाजार देख लिए, सो आज हम एक्सप्लोर करेंगे राजापुर तालुके का बाजार और देखेंगे ये बाजार कैसा है। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो बिना देर के जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में एंड तक बने रहो। आज हम ये राजापुर तालुके का पूरा बाजार घूमेंगे और देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, कैसा क्या बाजार है ये सब। सो चलो अभी निकलते हैं हम घर से, क्योंकि राजापुर पहुंचने में करीब करीब आधा घंटा तो लग ही जाता है। चलो चलते और सीधा मिलते हैं आपसे राजापुर में। सो आ गए अभी हम फाइनली राजापुर में और अभी आप देख ही सकते हो अभी हम बढ़ रहे बाजार की तरफ आगे। सो यहाँ से अभी हम बढ़ रहे आगे, बाजार आगे लगता है, यहाँ से चलते अभी हम। और हमारे साथ देखिए कौन है, सलमान भाई आए हुए। चलो अभी जल्दी चलते हैं बाजार के लिए। हाँ देखिए राजापुर का थिएटर इधर है, वो जहाँ हमने जवान पिक्चर देखी थी, जवान का पोस्टर अभी भी लगा हुआ है। ऐसे ही बढ़ेंगे हम और ये रही सामने राजापुर की नदी, जन गाड़ी। यहाँ से बाजार हमारे को दिखता हुआ सामने ही। हाँ ये से झाड़ पूछ रहे, तू रत्नागिरी से कितने में लेकर आता? 50 रुपये। 50 रुपये में इधर कितना रहेगा क्या मालूम। देखिए शो पीस बोलता हूँ, फूल के झाड़, गुलाब वगैरह के सब यहाँ लाइन से लगे हुए जो हमारे को यहाँ बाजार में दिखते हुए। तो सही लेते ना, ₹80 का है गुलाब का फूल। सो अभी हमने वहाँ फूल के गुलाब वगैरह के झाड़ पूछे जो ₹80 एक पीस है और रत्नागिरी में ₹50 मिलता है, तो यहाँ महंगा है वो। और अभी यहाँ हम खड़े वॉच केस पे, वॉच वगैरह देखे सलमान वॉच देखता हुआ अपने लिए एक। ले पसंद कर एक, वही मेरे को भी अच्छी लगी थी। कैसा है वो? यहाँ देखिए तोस, बटर, कुरमुरे, ऐसे चलते अभी हम आगे। सही है, सेल भी चल रहा है इधर, फिक्स रेट ₹100 ट्रैक लो। और बाजार देखिए कहाँ से शुरू हुआ और अभी तक आगे और भी है बहुत, यहाँ आप लाइन से देख ही सकते हैं। कौन सा 50 वाला एक डजन, 60 वाला कौन सा है ये? ये 50 में दो ना एक डजन। हाँ यहाँ से हमने एक डजन केला ले लिए ₹60 से। और ये देखिए सलमान भाई हमारे खाते हुए आगे चल रहे, इस भाई से लिए केले हमने। तो ये बाजार में हम ये संतरा है छोटा सा, पकड़ एक मिनट, क्या ये संतरा है ना? सिक्किम का संतरा, ₹260। कितने रुपए किलो? ओ काका ₹260 बोले, और 8-10 किलो ₹100। यहाँ फ्रूट की बात किए तो फ्रूट काफ़ी महंगे हो, आलू बुखार पूछे ₹100 आधा किलो, लेकिन साइज़ में बड़े हैं
और वो संतरा पूछे छोटे साइज का 260 रुपए किलो है। आप ये अंदर से देख सकते पूरी सब्जी भाजी तरकारी सब पूरा ये अंदर से यही है और बाहर से सब फ्रूट आपको देखने मिल गया। जैसे कि इस साइड देखते फिर रहे यहाँ भी फ्रूट है। हाँ दूधी एक बोले, दूधी पूछ पहले कैसा है, छोटा एक ले दूधी 20 में ले, ज्यादा बड़ी में 20 में ले, पाव किलो दे छोटे छोटे, ज्यादा बड़ी भी नहीं बोले बोले मीडियम सलमान को एक तो उसने बोले लेने बोल। हाँ 20 में बोल, 20 में एक हमने दूधी लिए 30 रुपया 25 बोल रहे थे लेकिन 20 में लिए हमने। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से सब्जी वगैरह सब अंदर बाजार है, थैली वगैरह चल। और आगे यहाँ से कपड़े सब शुरू है लगे हुए। ये सलमान खुद से ले नहीं सकता, ये लाल भाजी फोन पे पूछते हुए ले रहा है और खुद से बाजार लेना नहीं आता। यहाँ से अच्छी है ये सब भी है। लेना बीस का ये कैसा है मेथी की, मेथी बोलते ना कैसा है, 30 रुपए जोड़ी, 250 में देंगे। और लाल पत्ते की, और ये रही लाल पत्ते की भाजी, ये कैसा जोड़ी है, ये 30 को एक है 50 को दो जोड़ी, और मेथी की 30 रुपया जोड़ी देख सकते हैं आप। ये काफी भरा हुआ ऐसा बाजार है यहाँ का। सो यहाँ बाजार में थैली नहीं मिल रही है, हमें थैली लेने यहाँ सामने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ कोई बाजार में थैली नहीं दे रहा है। ले थैली कैसा है ये, हाँ ये कितने वाली ले रहा है, 60 वाली। सलमान यहाँ भावताव करता हुआ थैली के ऊपर 20 रुपया, ये आप जो देख रहे हो सामने ये है 20 रुपया थैली, और ये नीचे वाली है 10 रुपया थैली। ये कितने की, 10 10 10 20 रुपया, ये देखिए ब्लू कलर थैली 20 रुपया, 30 रुपया बोल रही है, 30 रुपया 20 रुपया ना। यहाँ से थैली बड़ी हुज्जत करे 30 रुपया ने, फिर 20 रुपये में ले लिए, वो दे ही नहीं रहते काकी 20 में, लेकिन भाई ने हुज्जत कर पैसा नहीं है ये है वो ये करके ले लिए। ऐसी बाजार में अभी हम चल रहे हैं। हाँ सब देखिए यहाँ ला और दो कुछ भुट्टा पूछ ऐसा कुछ बोले ना, टमाटर वगैरह बोले ना 20 रुपया किलो, सही है अपने नाटे में महंगा है, नाटे में ला गए हफ्ते 30 रुपये में लिए थे 20 रुपया किलो। हाँ भुट्टा कैसा है, 50 का 3 है, 50 का 3 है, ये सब 10 रुपये मुठा, ये सब 10 10 रुपये वाटा वाटा महंगा है नहीं, वो 10 रुपये वाटा सही है, वो जो 30 रुपये बोले ना वो महंगा है, 10 10 रुपये वाटा, कोई भी वाटा लो देखो। ओ चचा पेरू कैसे चलते, 140 रुपए किलो, सौ में लेंगे, 100 में किलो नहीं ज्यादा आएंगे किलो भी, 140 रुपए किलो 120 में दे रहे। हाँ चचा अनार कैसा है, अनार कैसे किलो है, 200 रुपए किलो है बाप, बहुत महंगा, आधा किलो अपना कितना 100 में बटेगा फिर। ये सलमान 140 200, यहाँ से चले काफ़ी महंगा फ्रूट है इधर। अनार पूछा, अनार 200 रुपए किलो है, बहुत महंगा है फ्रूट, बहुत महंगे इधर अनार पूछे 200 रुपया,
काफी महंगा है। चलो अभी हम यहाँ से एक साइड और उतरते, यहाँ से नीचे उतर के आए। बाकी सब्जी तरकारी का भाव पूछे तो सही है, ये फ्रूट काफी महंगे इधर। पाँच से बीस रुपए किलो। अरे भूमि लो तो छोटे आते हैं। साढ़े पाँच सौ रुपया बहुत महंगे। हाँ इधर बाकी कांदे बटाटे इस साइड भी है। बटाटा बटाटा कैसे किलो देते? 25 रुपए किलो। 2500 के 4 किलो ना, कम है। आगे चलो इधर से देखते हैं। सुक्की मिर्ची चल रही और सब सही है। सब सही है। नाश्ता वास्ता किए? नाश्ता करके चाय पी रहा हूँ। लांजे से? लांजे से, इधर ही सही है। ये कैसा किला आपके पास ये सब? ये भी 450। 450 रुपये किलो है। अपने इसको क्या कर दी बोलते, क्या बोलते? ये जवला है। ये कैसा है रहता है? वही भाव। सब सूखे हुए देख सकते। सो अभी हमने अंदर साइड से ये सूखी मच्छी ली, क्योंकि मुझे मच्छी तो बहुत पसंद है। तो सूखी मच्छी थी बला है शायद, तो ये 50 रुपये में हमने लिए। और इधर अभी हम गरम इतना, और आप देख सकते अभी आए नींबू शरबत पीने, काफ़ी गर्म हो रहा है। हमारा नींबू शरबत इस गाड़ी से हमने लिए। कैसा है ये नींबू शरबत? 10 रुपया। 10 रुपये में एक गिलास फुल पावर एनर्जी आ जाएंगे अभी नींबू शरबत पी के। अभी यहाँ से हमने नींबू शरबत पी लिया। आप जाके थोड़ा अच्छा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी गर्मी है ना इस वक्त राजापुर में इधर। चलो आगे देखते हैं। अभी और एक फ्रूट लेना है हमें, फ्रूट लेते उसके बाद तो अपने ये बाज़ार देख ही लिए पूरा। अभी चल के फ्रूट लेते अभी हम। सलमान ने काफ़ी सामान लिया है, हमने तो दो ही सामान लिए। ये इधर ही आए फ्रूट लेने। अभी हम केले ही पूछे ना, वैसे ले दो वापस से एक्स्ट्रा ले। ये भाई से लेंगे अभी हम वापस से। बाय, वापस से दे दो। एक डजन बताओ, 200 है। 160। 200। 200। और ये 140। मेरे को नहीं चाहिए, एक खाता है। ला ला भाई, अपन टेस्ट करेंगे ना। टेस्ट करने में क्या ज़्यादा है? नहीं मेरे को नहीं। अरे टेस्ट कर ले चल। हम बाज़ार आए थे कुछ लेने के लिए, नहीं आए थे ऐसी बाज़ार आपको दिखाने के लिए। और बाज़ार आते हुए हमने कितने सामान ले लिए देखो। सलमान के दोनों हाथ में तैली भरी हुई, और ये देखिए मेरा हाथ पूरा भरा हुआ, क्योंकि काफ़ी बाज़ार कुछ कुछ जगह सस्ता है, कुछ कुछ जगह महंगा है। बट काफ़ी अच्छे इसमें हमारे को फ्रूट मिले, सब्जी भाजी भी मिल गई, क्योंकि भाव ताव करने वाले हमारे सलमान भाई एक नंबर थे। आ गए अभी हम हमारे गाड़ी के पास, देख सकते पीछे हमारी गाड़ी खड़ी। यहाँ पार्किंग गए करके गए थे हम बाज़ार में। बाज़ार लेने तो नहीं गए थे, ऐसे गए थे कि मैं आपको दिखाने गए थे कि राजापुर का बाज़ार कैसा था। लेकिन हम बाज़ार दिखाने गए और काफ़ी सामान पूरी गाड़ी भर गई है, आप देख आगे भी रखा हुआ है, डिग्गी भी पूरी फुल है, इतना सामान ले लिए। और ये बाज़ार कहाँ से, जो थिएटर है यहाँ से शुरू होता है तो पूरा आगे तक है, काफ़ी बड़ा बाज़ार है। क्योंकि ये है राजापुर तालुके का बाज़ार। अगर बात करें तो ये भी बाज़ार जुमेरात को ही लगता है, जैसे साकरी नाटे में जुमेरात को होता है उसी दिन यहाँ भी बाज़ार लगता है जुमेरात के दिन। और ये काफ़ी बड़ा बाज़ार है, सस्ता है महंगा है, हर जगह के हर इसके दुकान पे आप जाओगे तो अलग अलग भाव है। लेकिन हमें काफ़ी सस्ते में बहुत अच्छी चीज़ें मिली, इसलिए हमने बहुत सारे सामान ले लिए। फ्रूट बोलो, सब्जी भाजी बोलो, हर एक चीज़ ले लिया। अब हो गया फाइनली हमारा सब बाज़ार लेके। सो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? आई होप कि आपको ये राजापुर के बाज़ार का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है
तो क्या करना है आपको पता ही है, मेरे वीडियो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलेंगे बहुत जल्द एक और अच्छे ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय।